Hi guys, welcome back to वेलकम बैक टू and I चैनल एंड आई होप great हेल्थ guys. सो so today's क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब समथिंग दैट surprised यू एंड मेड यू हैप्पी यहाँ पर आपने एक ऐसे सरप्राइज़ के बारे में बताना जो आपको बहुत अच्छा लगा था जिसने आपको खुश किया था एंड सब क्यूज आर वाट इट वॉस ये कौन सा सरप्राइज था हु डिड दिस कि किसने किया था नेक्स्ट वन इज़ हाउ यू फाउंड अबाउट इट एंड वाट यू डिट कि आपको इसके बारे में कैसे पता लगा और आपने क्या किया एंड द लास्ट वन इज़ एक्सप्लेन वाई इट सरप्राइज यू एंड मेड यू हैप्पी और एंड में आपने बताना कि इस चीज़ ने आपको सरप्राइज़ क्यों किया कैसे किया और आपको हैप्पी क्यों किया सो बिफोर वी विदा सैम्पल आंसर गाइज प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो सो लेट्स बिगेन द वीडियो गाइज Surprises are always pleasant and in fact they make people feel the pinnacle of happiness and life never fails to surprise us in different ways. यहाँ पर हमने बताया कि जो surprises होते हैं वो हमेशा बहुत ही pleasant होते हैं और हमें feel कराते हैं pinnacle of happiness. Pinnacle का मतलब था शिखर peak की हमें जो खुशी की peak होती है वो feel कराते हैं surprises. And वो क्या करते हैं जो life है क्या करती है हमें कभी fail नहीं करती नए नए surprises देती है in a different ways. Well, I haven't received many surprises in my life. However, today I'm going to talk about a time when I had such an experience. एन यहाँ पर हमने बताया कि मुझे लाइफ में बहुत कम ही सरप्राइजेज मिले हैं बट कुछ ओकेजेंस में मिले और एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा Actually, it was my last birthday and I was euphoric to celebrate it with my friends. Euphoric का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड और हैप्पी होना कि ये लास्ट बर्थडे की बात है कि मैं सेलब्रेट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था अपने दोस्तों के साथ फॉर सेलिब्रेशन आई बुकड एन एमिनेंट पार्टी क्लब नेम्ड गलेक्सी एंड इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू द पार्टी इस सेलिब्रेशन के लिए मैंने एक एमिनेंट पार्टी क्लब बुक किया एमिनेंट का मतलब था बहुत ही फेमस रिनाउंड मैंने एक पार्टी क्लब बुक किया था जिसका नाम था गलेक्सी और मैंने सभी दोस्तों को इन्वाइट भी किया एज अ सेलिब्रेंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग गिफ्ट फ्राम एवरी सिंगल फ्रेंड ऑफ माइंड सेलिब्रेंट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान कोई इवेंट को सेलिब्रेट कर रहा था उसको कहते सेलिब्रेंट कि मैं मेरा सेलिब्रेशन थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे गिफ्ट देंगे मेरे दोस्त सभी हाउ एवर नो वन ब्रॉट एनी गिफ्ट आई वॉज बी टू से दिस कि कोई भी मेरा दोस्त कोई गिफ्ट नहीं लाया और मैं इसे देखकर ब विलडेड हो गया बी विल्डेड का मतलब था कन्फ्यूज़ हो गया ये देख कर कि कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाया एंड टू बी ऑनस्ट इट मेड मी सैड एज वेल और अगर सच बताऊँ तो मुझे इस चीज़ ने थोड़ा निराश भी किया थोड़ा सैड भी किया एनी वे वी हैड अ ग्रेट टाइम विद डांस वी इन्जॉय डिफरेंट कुजीन्स एंड मेड अपटीन अनफॉरगेटल मेमरीज कि इसके अलावा हमें क्या हमने हमारा जो टाइम था बहुत ही अच्छा गुजरा हमने डांस भी किया डिफरेंट कुजीन्स भी टेस्ट किए और अपटीन अनफॉर्गेटेबल मेमरीज भी बनाई अपटीन का मतलब था मैनी वेरियस वंस द पार्टी गोड ओवर वी ऑल लेफ्ट फॉर आर प्लेस कि जब एक बार पार्टी खत्म हो गई तो हम सभी अपने घरों के लिए निकल गए आफ्टर ड्रॉपिंग माई फ्रेंड रोहन आई वॉज हैडिंग टू वर्ड्स माई होम वेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रोहन कि मैं अपने दोस्त रोहन को ड्रॉप करके निकल रहा अपने घर की तरफ जा रहा था जब मुझे एक कॉल आई रोहन की तरफ से एंड सेड ही हैज़ फॉर गॉडन हिज वॉलेट इन माई कार विच ही प्लेस इन द कार डैशबोर्ड उसने कॉल करके मुझे बताया कि वो अपना पर्स भूल गया है मेरी कार में जो कि उसने डैशबोर्ड में रखा है आई स्टॉप माई कार बाय द साइड ऑफ द रोड टू चेक वेदर इट्स देयर और नॉट कि मैंने फिर कार को साइड में रोका और चेक किया कि वहाँ पर पर्स है या नहीं एज आई अपन द डैशबोर्ड आई सॉ अ बॉक्स कवर्ड विद द गिफ्ट रैप कि जब मैंने डैशबोर्ड को ओपन किया तो वहाँ पर मुझे एक बॉक्स मिला जो कि गिफ्ट रैप हुआ हुआ था फॉर अ मोमेंट आई गॉट परप्लेक्सड बट वेन आई ओपन द बॉक्स गेस वट आई सो अ स्मार्टफोन इन इट कि पहले तो मैं थोड़ा परप्लेक्स हो गया परप्लेक्स मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया देख कि ये बॉक्स कहाँ से आया मेरी गाड़ी में और फिर मैंने जब इसको खोला बॉक्स को तो मेरे को पता लगा इसमें एक स्मार्टफोन पड़ा है इन नो टाइम आई फिगर आउट दैट इट इज़ माई बर्थडे प्रेजेंट गिवन बाई माई फ्रेंड्स कि मुझे फिगर आउट कर लिया मुझे पता लग गया कि हाँ ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे सरप्राइज करने के लिए दिया है इट वॉज अ मोमेंट वैन आई वॉज रनिंग थ्रू सो मैनी डिफरेंट इमोशंस इन अ सिंगल मोमेंट कि वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने एक सिंगल मोमेंट में कितने डिफरेंट इमोशंस को मैंने एक्सपीरियंस किया आई वॉज हैप्पी एज लैरी एक्साइटेड सरप्राइज एंड इमोशनल टू रिसीव सच अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्राम माई फ्रेंड्स की आई वॉज हैप्पी एज लैरी हैप्पी अजलैरी का मतलब कि बहुत ही खुश होना क्योंकि कि बहुत ज़्यादा खुश था एक तो एक्साइटेड भी था सरप्राइज भी हो गया और इमोशनल भी हो गया ऐसा इतना अच्छा गिफ्ट रिसीव करके फ्रॉम माई फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई मेड अ कॉन्फ्रेंस कॉल टू माई फ्रेंड्स एंड थैंक दैम फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग सरप्राइज़ कि मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और और मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया अपने दोस्तों को और सबको थैंक यू बोला कि मेरे को इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए द रीज़न इट मेड मी सरप्राइज एंड इमेंसली हैप्पी बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम फोन फॉर विच आई हैड बिन सेविंग फॉर सो लॉन्ग टू बाई दिस फोन कि यहाँ पर हमने रीज़न बताया कि इसने मुझे सरप्राइज़ क्यों किया और इतना खुश क्यों किया क्योंकि ये मेरा ड्रीम फ़ोन था और मैं इसके लिए बहुत समय से पैसे जोड़ भी रहा था ताकि मैं ये फ़ोन ख़रीद सकूँ बिसाइड्स दिस आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फोन एज अ गिफ्ट बिकॉज आई हैड नेवर टोल्ड एनी वन दैट आई वॉज प्लानिंग टू बाई दिस फ़ोन कि मैं सरप्राइज़ इसलिए भी होगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ये गिफ्ट मिलेगा फ़ोन में क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मैं प्लान कर रहा हूँ और इसके लिए मैं पैसे भी जोड़ रहा हूँ ट्रूली दे पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू मेक मी सरप्राइज़ यहाँ पर हमने एक ई यूज़ किया पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स इसका मतलब होता है कि हर मुमकिन कोशिश करना कि उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की मुझको सरप्राइज करने के लिए सो दिस वॉज द टाइम वैन समथिंग सरप्राइज मी एंड मेड मी हैप्पी और एंड में हमने बता दिया कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया जिसने मुझे सरप्राइज भी किया और हैप्पी भी किया सो दैट्स इट गाइस ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड So, before you exit the video, guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. And I will see you in the next video, guys. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you, guys.